पीछे दिखाई दिया कुछ दिनों में मेरे अंदर एक और कमज़ोरी, जो कि ना करने की। कई जगह पे मुझे ना बोल देना चाहिए था, बहुत पहले बोल देना चाहिए था, आराम से बोल देना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा डर अंदर इकट्ठा हो जाता है और ना नहीं कहा जाता। सही समय पे, सही मौके पे ना नहीं बोला जाता, और उसका फिर बाद में मेरे को भुगतान बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। ये कमज़ोरी शुरू में रही है, जैसे बचपन में भी दोस्तों को ना नहीं कर पाता था। जैसे मैं हॉस्टल गया तो कोई भी आ जाए, स्कूटर लगा होता था, कोई भी ले जाए, मतलब ऐसी एक शुरू से खुली सी आदत रही है। बट अब आकर दिखता है कि ना मेरे को कहनी चाहिए और स्पष्ट ना बोलनी चाहिए, वहाँ मैं वहाँ मात खा जाता हूँ, उसका नुकसान होता है। ना क्यों नहीं बोल पाते? अगला क्या सोचेगा, अगला मेरे बारे क्या सोचेगा। वो जो सोचेगा उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जो पुरानी छवि उसके साथ मेरी बनी हुई है, या जो मैंने एक कह लो कमिटमेंट टाइप कर रखा है, तो क्या कहेगा कि यार ये तो बदल गया है, यार ये तो और हो गया है। वो सुन पाना मेरे लिए, मुझे थोड़ा कि मैं जैसे एक इम्प्रेशन टाइप दिमाग पर एक छोड़ दिया होता है। तो उसके मन में आपकी छवि खराब हो गई, तो क्या होगा? ही माइट नॉट लाइक मी, तो क्या होगा? देन आई विल बी लेफ्ट विथ फ्यूअर पीपल। तो क्या होगा? मतलब फिर जिनसे मैं एक संबंध बना पाऊंगा, मुझे मुझे महसूस होता है कि वो फिर कम होते जा रहे हैं लोग। तो कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? फिर बांटूंगा किसके साथ? तो आप अनजानों के साथ भी बांट सकते हैं। के साथ भी वही समस्या है कि वो जो पहल करनी चाहिए उनसे संबंध बनाने की, वहां भी एक बांटने के लिए संबंध क्यों बनाना है? भिखारी को आप बांटते हो, उसे संबंध बनाते हो पहले? किसी को प्रेम में यूं ही दे देते हो, संबंध बनाते हो क्या पहले? तो किसी को देने के लिए उससे संबंधित होना कहाँ जरूरी है? बात कहीं लेने की तो नहीं है? आपको भी पता है छिपी नहीं रह सकती। मैं भी जानता हूँ क्या छुपेगा, तो छुपा क्यों रहे हैं? बात लेने की है ना। मेरे बारे अच्छा सोचे, तो उससे मुझे क्या जरूरत होगा? पड़ने पे काम आए। तो उससे क्या होगा? आपके बारे में अच्छी छवि रखे, आपके बारे में अच्छा सोचे, उससे क्या होगा? और लोगों में भी मेरे बारे अच्छा उससे क्या सब्सटेंशियली होगा? तो कुछ नहीं होगा, बट अरे काम कैसे नहीं होगा? आते हैं लोग, काम किस तौर पे आएंगे? किस कभी मुश्किल पड़ जाए। तरह की मुश्किल, और उसमें क्या काम आएंगे? ऐसे तो दिखे नहीं रही हमारी है। सारी मुश्किलें कैसी होती हैं? हमारी मुश्किलें ये होती हैं कि सच्चाई नहीं पता, मुक्ति नहीं मिल रही, मोक्ष चाहिए, सत्य चाहिए, ऐसी मुश्किलें होती हैं कि हमारे सामने। तो आप जिन लोगों के मन में अपनी उज्जवल छवि रखने की कोशिश कर रहे हैं इस आशा में कि वो एक दिन आपके काम आएंगे, आपकी मुश्किलों में आपका सहारा बनेंगे, आप किन मुश्किलों की बात कर रहे हैं? संसारिक सांसारिक मुश्किलें, और उसमें वो आपको किस तरह का सहारा देंगे? कभी भौतिक 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 माल, माल। तो ये जो सारा छवि बचाने का खेल है, ये माल के लालच का खेल है। ये जो पूरी बात ही है कि समाज में अपनी छवि अच्छी रहे, इज्जत ऊंची रहे, समझिए अच्छे से कि वो बात पूरे तरीके से भौतिक है, मटेरियल है। भौतिक है, मटेरियल है, अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तो देह भाव से आती है, जिसमें देह से तादात्म्य जितना ज्यादा रहेगा
उसे भौतिक चीजें पाने की लालसा उतनी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो पहला मटेरियल जो आपको बहुत पसंद आता है वो होती है आपकी देह। एक बार ये पदार्थ, ये मटेरियल पसंद आ गया, उसके बाद दुनिया भर के 50 अन्य पदार्थों पर आपकी निर्भरता बन जाती है। जिसको इससे मोह हो गया, इस पदार्थ से, उसे 50 अन्य पदार्थ अब चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो कौन कौन से पदार्थ चाहिए। एक बार ये बहुत कीमती लगने लग गया, एक बार ये धारणा बना ली कि ये बड़ी कीमती चीज है, ये मटेरियल, मटेरियल ही है ना, ये बहुत कीमती है, अब और कौन कौन से मटेरियल चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सब इन्हीं के लिए तो चाहिए होते, एक से बढ़कर एक फिर कपड़े चाहिए, दुनिया की सब तमाम तरह की सुख सामग्री चाहिए, और वो जो कुछ भी आपको चाहिए इसके वास्ते वो आसमान से तो नहीं टपकेगा, वो कहां से मिलेगा, दूसरे लोगों से मिलेगा, और फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दूसरे लोगों के मन में आपकी छवि अच्छी रहे ताकि आपको जो पाना है वो आपको मिलता रहे। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो नेचुरल बात है ना कि हम दूसरों के मन में अपनी अच्छी छवि, अच्छा इंप्रेशन रखना चाहते हैं, इसमें कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। ये बात सीधे सीधे देहाभिमान की है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन की है। ये जो हम रो पड़ते हैं सार्वजनिक रूप से बेइज्जत हो जाने पर, बहुत लोग देखे हैं ना ऐसे, वो कहते हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं, उनकी भाषा में कहते हैं हम बड़े टची हैं, हमें कुछ कह दिया तो हम रो पड़ेंगे। ये बात भावनाओं की नहीं है, ये बात संवेदनशीलता की नहीं है, ये बात सीधे सीधे मटेरियल गेन की है, भौतिक लाभ की है। आप लालची हैं इसलिए बेइज्जत होने पर रो पड़ते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा तो शायद कभी सुना नहीं। आप लालची हैं इसलिए आपको इज्जत का इतना ख्याल है, आपको दूसरों से जो इज्जत मिलती है उस इज्जत के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है इसलिए आपको इज्जत प्यारी है। इज्जत से आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप इज्जत के पीछे नहीं भागते। ये बात लेकिन थोड़ा सूक्ष्म हो जाती है तो हमारी पकड़ में नहीं आती। हम सोचते हैं जैसे इज्जत का अपना कोई मूल्य है, हम सोचते हैं दूसरों की नजर में हमारा जो सम्मान है उसका अपना कोई मूल्य है, उसका अपना कोई मूल्य नहीं है, उसका सिर्फ एक आश्रित मूल्य है, डिराइव्ड वैल्यू है। इज्जत की कीमत इसलिए है क्योंकि इज्जत के माध्यम से आपको कुछ और मिलता है, क्या मिलता है, माल, तमाम तरह का माल मिलता है। जब आप इस बात को साफ साफ देख लेंगे तो फिर आपके लिए इज्जत को अधिक कीमत देना मुश्किल हो जाएगा। और गौर करिएगा कि जिससे आपको माल की जितनी ज्यादा अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, उसकी नजरों में आप अपनी इज्जत उतनी ऊंची रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान में स्त्रियों को खास तौर पर हया का, लज्जा का, इज्जत का, शर्म का पाठ पढ़ाया गया, कहा गया कि स्त्री को तो सम्माननीय होना ही चाहिए, पुरुष कलंकी निकल जाए, बुरे चरित्र का निकल जाए कोई बात नहीं, स्त्री के दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। स्त्री के लिए इज्जत का मूल्य बहुत बहुत ऊंचा बताया गया। किसकी नजरों में इज्जत, अधिकांशतः पुरुषों की नजरों में इज्जत। स्त्री के लिए इज्जत क्यों इतनी महत्वपूर्ण बना दी गई, क्योंकि स्त्री पुरुष पर आर्थिक रूप से निर्भर है, आश्रित है। बात समझ रहे हो,
क्योंकि उसको तमाम तरह के बंधनों में रखा गया, खुद कमाती नहीं, दुनिया का कुछ हालचाल जानती नहीं, उसको जो भी मिलना है भौतिक रूप से, माल असबाब पदार्थ, वो पुरुष से ही मिलना है। तो स्त्री से कहा गया तू इज्जतदार रह, और तेरी इज्जत इतनी बड़ी चीज है कि अगर तू बेइज्जत हो जाए तो प्राण त्याग दे। बात समझ रहे हो? इज्जत के माध्यम से जितना तुम्हें दूसरों से मिलता है उतने ही तुम दूसरों के गुलाम भी तो हो जाते हो, क्योंकि अब लगातार तुम्हें कोशिश करनी है कि दूसरे के सामने तुम वही छवि रखो जो वो तुमसे चाहता है। स्त्री को पुरुष के सामने बिल्कुल वही छवि रखनी होगी जो पुरुष चाहता है। घर की औरत को बिल्कुल पाक दामन रहना होगा, सच्चरित्र, सती सावित्री। वो जितनी सती सावित्री है, जितनी सच्चरित्र है पुरुष से, उसे उतना माल मिलता जाएगा, वो पूरी तनख्वाह लाके उसके हाथ में रख देगा। बोलो और क्या चाहिए? गहने चाहिए, देंगे। और यही अगर पता चल जाए कि घर की स्त्री इधर उधर आती जाती है, दो चार और संबंध हैं, इज्जतदार नहीं है, तो सबसे पहले उसे चोट कहां पड़ेगी? आर्थिक रूप से पड़ेगी। इज्जत गवाई नहीं कि रोटी गवा देगी, इज्जत का सीधा संबंध रोटी से है। इस बात को समझो, जो रोटी का जितना तलबगार होगा वो इज्जत पर उतना मरेगा। और रोटी के तुम कितने तलबगार हो वो निर्भर इस पर करता है कि तुम में देह भाव कितना सघन है। जितना तुम अपने आप को पेट मानते हो उतना ही ज्यादा तुम रोटी के लिए मरोगे, और जितना तुम रोटी के लिए मर रहे हो उतना ज्यादा तुम इज्जतदार रहना चाहोगे रोटी देने वाले की निगाहों में। हम इज्जत को बहुत बड़ी बात समझ बैठते हैं। हमारे जीवन का, समय का, ऊर्जा का, ध्यान का न जाने कितना बड़ा भाग सिर्फ दूसरों की नजरों में अपनी छवि चमकाने में लग जाता है ना। समझो तो सही कि ये छवि चमकाने के पीछे पूरी बात क्या है। वो जो बात है वो जैविक है, वो जो बात है उसका मनुष्य की विकास यात्रा से, इवोल्यूशन से संबंध है। हमारी एक एक भावना अंततः सिर्फ एक उद्देश्य के लिए है, इस शरीर को आगे बढ़ाते रहने के लिए। इस इनमें बैठी हैं, उनमें जो डीएनए बैठा है उसका प्रसार करते रहने के लिए। आपको क्रोध क्यों आता है? प्राकृतिक रूप से देखा है, प्रकृति में सभी जानवरों को क्रोध आता है। आप में और पशुओं में व्यवहार के तल पर जो कुछ भी साझा हो समझ लीजिए कि उसका उद्देश्य एक ही है, आपके डीएनए को आगे बढ़ाना। प्रकृति और कुछ चाहती ही नहीं। क्रोध आपको भी आता है, क्रोध पशु को भी आता है, उद्देश्य एक ही होगा, और वो एक ही उद्देश्य एक ही हो सकता है, क्या? डीएनए आगे बढ़ाना है। क्रोध का और कोई उद्देश्य नहीं है। आप रो क्यों पड़ते हैं? आप हंस क्यों पड़ते हैं? इन सब का संबंध, आप में ईर्ष्या क्यों उठती है? आप में मोह क्यों उठता है? आप में ममत्व क्यों उठता है? वजह बस एक है, कुछ और मत समझिएगा। आप जिसको प्यार कहते हैं आपको वो क्यों हो जाता है? वजह बस एक है। आप जिसको तकरार कहते हैं वो क्यों हो जाती है? वजह बस एक है। प्राकृतिक तौर से आप में जो कुछ भी उठता है उसका उद्देश्य बस एक है। बात समझ में आ रही है? सांप को देखा है, रस्सी नुमा होता है जब वो जमीन पर रेंग रहा होता है, देखा है? आपके सामने आता है तो उसका आकार कुछ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जब तक वो जमीन पर रेंग रहा है आपसे उसको कोई मतलब नहीं, तब तक वो कैसा है? एक ट्यूब जैसा है, एक नली जैसा है, एक रस्सी जैसा है ना, एक सिलेंडर जैसा उसका आकार है। लेकिन आपके सामने आता है तो ऐसा हो जाता है। अब ये आकार
या सिलेंड्रिकल तो नहीं है ना, ये आकार बदल क्यों लिया उसने, इससे क्या होगा? दिखा रहा है आपके मन में अपनी छवि बना रहा है, और इस छवि बनाने का उद्देश्य क्या है? अपने आप को आप वो बड़ा करके दिखा रहा है, जितना बड़ा वो है नहीं उससे ज्यादा वो अपने आप को बड़ा करके दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है अपने आप को इतना बड़ा करके? ताकि आप डर जाएं, डर जाएं तो उसकी जान बचे। प्रकृति भी ये खेल खेलती है, प्रकृति में भी जानवरों को पता है दूसरे के मन में अपनी छवि बनाओ, क्योंकि छवि बनाने से इसका व्यापार आगे बढ़ेगा, छवि बनाने का और कोई प्रयोजन ही नहीं होता। मोर नाचता है मोरनी के सामने, ये पंख फैला करके ये क्या करा जा रहा है? छवि ही तो बनाई जा रही है। बब्बर शेर को देखिएगा, उसका धड़ बहुत विशाल नहीं होता, लेकिन आप उसे सामने से देखेंगे वो बहुत बड़ा नजर आएगा। कैसे बहुत बड़ा नजर आता है? उसके मुंह के इर्द गिर्द बाल ही बाल होते हैं। आप सामने से देखेंगे आपको लगेगा पता नहीं कितना विशाल काय है, वो उतना बड़ा है नहीं। उसने अपनी छवि बनाई है ताकि उसकी देह का धंधा चलता रहे, शिकार करने में आसानी हो, सामने वाला आधी लड़ाई तो डर के ही हार जाए। अरे इतना बड़ा शेर सामने आ गया, गली के दो कुत्तों को लड़ते हुए देख लेना कभी, एक दूसरे के सामने अपने जबड़े के दांत ऐसे खोलते हैं कि पूछो मत। देखा है ये क्या किया जा रहा है? छवि बनाई जा रही है। अब मुझे बताओ तुम सज धज के क्यों निकलते हो? एक ही उद्देश्य होगा, शरीर को आगे बढ़ाना, और कोई उद्देश्य नहीं होता। और जो जितना ज्यादा उत्सुक हो दूसरे के मन में अपने लिए एक अनुकूल छवि बनाने का, जान लो उसको उतना ज्यादा न आत्मा से मतलब है, न सच्चाई से मतलब है, न मुक्ति से मतलब है, उसको तो बस पेट से मतलब है। ये छवि का पूरा चक्कर ही, पूरा व्यापार ही बस देह चलाने का है। इसीलिए देह चलाने के जितने धंधे हैं वो आश्रित ही हैं छवि के रंग रोगन पर। एकमात्र निर्भयता होती है देह भाव का त्याग। मैं देह हूं ही नहीं, मुझे डरना क्या? जब तक देह है तब तक डरोगे, और जब तक देह है अंतिम डर एक ही रहेगा, मौत का। वो डर तुमसे न जाने क्या क्या काम करवा देगा। जिसने वो डर त्याग दिया, अब उसमें ये भावना रह ही नहीं जाती कि किसी की नजरों में अच्छा रहना है कि बुरा रहना है। अब वो आजाद जिंदगी जी सकता है, अब वो दूसरों पर आश्रित नहीं है। आश्रित अगर वो है भी तो अब आत्मा पर आश्रित है, सच्चाई पर आश्रित है, दूसरों का मुंह से नहीं देखना। जो जितनी नकली जिंदगी जी रहा है उसको आप उतना ज्यादा सचेत पाएंगे छवि के प्रति, इज्जत और सम्मान के प्रति। वो उतना ज्यादा आपको कहता नजर आएगा, अरे धीरे से बोलो कहीं कोई सुन न ले, लोग क्या कहेंगे? देखो अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना हो। देखिए साहब मामले को यहीं दबा दीजिए, समाज में नहीं बात फैलनी चाहिए, लड़की से नादानी में हो गया। नहीं नहीं वो लड़का जवान है इसलिए गलती कर बैठा, नहीं तो हमारे यहां ड्रग्स क्या, बीड़ी तंबाकू भी कोई नहीं लेता। ये सब सुने सुनाई लग रही है ना बातें। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में पेट से ज्यादा कुछ जाना ही नहीं, ये बात इज्जत की कर रहे हैं, लेकिन मकसद इनका बस पेट है, देह है। सब इज्जतदारों को पेटदार जानना,
जब कोई बोले हम बड़े इज्जतदार आदमी हैं, तो समझ जाना कि इज्जतदार नहीं है, पेटदार है, इसका पेट बहुत बड़ा है। तो पेट में कितनी भी इज्जत डालो, पेट तो भरेगा नहीं। और जो जितना डरा हुआ होगा उसे अपनी इज्जत की उतनी परवाह होगी, और जो दूसरों पर जितना आश्रित होगा उसे अपनी इज्जत की उतनी परवाह होगी। जांच के देख लेना, नेताओं को बड़ी अपनी छवि की चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि वोट ही किसी और से मिलना है, छवि के ही दम पर वोट मिलना है। छवि गई, वोट गया। ये सब अभिनेता अभिनेत्री लगे रहते हैं इसी चक्कर में कि जनता के बीच में छवि चमकदार रहे। 15, 20, 40, 50 फोटो खींचती होंगी, तब उनमें से एक आती होगी जनता के बीच, और वो भी खूब चमका के, रंग रोगन कर, घिस घिस के। वजह सीधी है, तुम अपने चेहरे की खा रहे हो, तुम अपने देह की खा रहे हो, तुम में कोई आंतरिक दम नहीं है, ना तुम्हारी कला में दम है, ना तुम्हारे कौशल में दम है, ना तुम्हारे मन में दम है, ना तुम्हारे जमीर में दम है। तुम खा ही जिस्म की रहे हो। जब जिस्म की खा रहे हो तो बड़े डरे रहते हो, बड़े कांपते से रहते हो, हर समय सोचते रहते हो, अरे जनता के बीच क्या जा रहा है, जरा पता चलता रहे। कितनी अजीब बात है ना, लोग मरते रहते हैं इज्जत के पीछे, और उनको जो इज्जत मिलती है वो दो कौड़ी की नहीं होती, रातों रात छिन जाती है। और जिन्होंने इज्जत की परवाह ही नहीं करी, उन्हें ऐसी इज्जत मिली है कि वक्त भी नहीं छीन सकता। कबीर साहब को क्या फिक्र पड़ी थी कि कौन उन्हें पूजनीय मान रहा है और कौन निंदनीय। पर 600 साल हो गए उन्हें गए हुए, इज्जत उनकी बढ़ती ही जा रही है। परवाह नहीं करी ना उन्होंने इज्जत की। अपने आचरण को देखिएगा, अपने मन को देखिएगा। अगर आप पाते हैं कि आप ऐसे हैं कि किसी ने आपको दो चार चुभती बातें बोल दी और आपको बड़ी ठेस लग जाती है, तो समझ लीजिएगा कि बड़े देह भाव में जी रहे हैं आप। आपके जीवन में डीएनए से बड़ा कुछ है ही नहीं। कि आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है, डीएनए का प्रचार प्रसार। आप में से बहुत हैं ऐसे बैठे हैं जिनको मुझे पता है कि किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया और कांटा लगा, वो दो चार दिन बिल्कुल ऐसे घूमेंगे कि उफ हाय हाय। उससे यही पता चलता है कि सच्चाई से, आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा, जिस्म के लिए जी रहे हो। बचना है ऐसों से जो अपने परिचय में ही बता दें, मैं ना बड़ा सेंसिटिव हूँ, जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। तो समझ लेना कि ये मांस का पुतला सामने खड़ा है, और ये जी ही इसीलिए रहा है कि दुनिया को मांस से और परिपूर्ण कर दे।
बुरा लगा? कोई बात नहीं, लगना चाहिए। हालत जब अपनी ऐसी कर रखी है कि हवा भी बहती है तो चोट लग जाती है, तो मेरी बातों का तो बुरा लगेगा ही, मैं कैसे बचा दूंगा? हालत तो ये है कि राह चलते भी उलझते रहते हो किसी न किसी से, चोट के पुतले जैसे हो। वो जो सबसे क्लोज नहीं है ना, जो क्लोज होते हैं उनके सामने इज्जत जाने कोई खतरा नहीं होता। जिनसे वाकई निकटता होती है उनके सामने आप धड़ल्ले से नंगे हो सकते हैं, बेइज्जत हो सकते हैं। माँ के सामने, पत्नी के सामने अगर इज्जत बचानी पड़ रही तो जान लीजिए कि संबंध में किसी तरह की सच्चाई नहीं है, असलियत नहीं है, औपचारिकता है, बनावटीपन है। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह आप अपनी इज्जत बचाते फिरते थे। हॉस्टल में रहते थे, वहां पे दोस्त यारों के सामने इज्जत बचाते थे क्या? वहां तो धड़ल्ले से नंगे हो जाते थे। हाँ, वही बात घर पे माँ बाप को बताते हुए थर्राते थे। क्यों? वजह समझिएगा, दोस्त को बता भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। वो दोस्त को आप कुछ भी बता दीजिए, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। वो कल भी आपको अपनी टी शर्ट दे देता था उधार, आज भी दे देगा, तो आपका कोई मटीरियल नुकसान नहीं हुआ ना। कल भी आपको वो मटीरियल उससे मिल रहा था, कौन सा मटीरियल? टी शर्ट। और आपने उसको बता दिया कि आज रात गांजा मार के आया हूं, तो अगले दिन क्या वो टी शर्ट देने से मना कर देगा? नहीं मना करेगा। इसीलिए उसकी नजरों में आपको इज्जत की परवाह ही नहीं है। इज्जत का सीधा ताल्लुक लालच से है, पदार्थ के भोग से है। हाँ, घर पर जाकर बता दिया कि गांजा मार के आया हूं, तो जो टी शर्ट आपने पहन रखी है वो भी फट जाएगी, तो घर पर नहीं बताएंगे। घर पर ना बताने का सीधा ताल्लुक भी लालच और पदार्थ के भोग से है। टी शर्ट की बात है, ये इज्जत की बात नहीं है। घर पर भी आपको पता हो कि कुछ भी बताता चलूं, कोई भौतिक नुकसान, कोई मटेरियल लॉस नहीं होना है, तो आप सब बता देंगे। माँ बाप को बताओ तो उनसे जो रुपया पैसा मिलना है वो बंद हो जाएगा। पत्नी को बता दिया तो हो सकता है वो रोटी ना बना के दे या देह का सुख ना दे, मना कर देगी, बाहर दूर निकलो, कमरे से बाहर निकलो। तो वहां नुकसान होने की संभावना है। कैसा नुकसान? भौतिक नुकसान, सीधा सीधा मटेरियल लॉस। तो इसलिए आप अपनी इज्जत की इतनी परवाह करते हैं। जो आपके चुनिंदा यार होते हैं, इसीलिए आपको उनके सामने इज्जत इत्यादि की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। रिश्तों में माल है, रिश्तों में माल है, माल का आदान प्रदान है और माल का लालच है।
वो माल रुपया पैसा भी हो सकता है, वो माल काम वासना का सुख भी हो सकता है, पर जो कुछ भी है फिजिकल ही, भौतिक ही है। देह भी भौतिक है, देह के ऊपर का कपड़ा भी भौतिक है, दोनों फिजिकल है ना। तो बात या तो इस माल की होगी या इस माल की होगी, पर बात है माल की ही। हम मालाभिमानी हैं, हम माल भाव में जीते हैं। जिंदगी के बड़े से बड़े आनंदों में है उन्मुक्त जी पाने का, चल पाने का, आ पाने का, जा पाने का, बोल पाने का आनंद। और जिसको अपनी छवि की ही चिंता लगी हुई है वो उन्मुक्त जी ही नहीं सकता। जीवन का इतना बड़ा आनंद आपने गंवा दिया, अब एक एक कदम सिहर सिहर के रख रहे हो। 5 दफे आईने में अपनी सूरत देख रहे हो, मैं लग कैसा रहा हूं। कहीं गिर पड़े तो ये बाद में देख रहे हो कि चोट कितनी लगी, ये पहले देख रहे हो किसी ने देखा तो नहीं। बचपन से हम देख रहे थे जैसे टीचर को इम्प्रेस करने की, ताकि वो दूसरी क्लास के टीचर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो क्या कभी? क्यों अपनी ही क्लास के टीचर को क्यों इम्प्रेस करना है? पूरा काम उसका करके देना, क्यों अपनी ही टीचर को क्यों इम्प्रेस करना है? बगल वाली क्लास की टीचर को क्यों नहीं, या बगल के स्कूल की टीचर को क्यों नहीं? क्योंकि वो माल देती है। और जिस दिन वो माल देना बंद कर देती है उस दिन फिर वो धीरे धीरे ध्यान से हटती जाती है। हटती जाती है कि नहीं? थोड़ी प्राकृतिक है, थोड़ी सामाजिक है, छोटे बच्चों में भी होती है। इसीलिए छोटे से छोटे बच्चे को भी झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता। प्रकृति झूठ से भरी हुई है। वो जो गिरगिटान आपके सामने रंग बदल रहा है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? झूठ ही तो बोल रहा है। वो जिस रंग का नहीं है वो रंग आपको दिखा रहा है। ये बातें प्रकृति में ही निहित हैं। छोटा बच्चा गर्भ से ही झूठ साथ लेकर पैदा होता है। हम सोचते हैं कि अरे कुसंगति के कारण झूठ बोलने लगा, ना। देह में झूठ बैठा हुआ है, डीएनए में बैठा हुआ है। ये
ये छिपकली जो आपके पीछे पूंछ छोड़कर भागती है, ये क्या है? आप छिपकली के पीछे भागते हैं और पूंछ छोड़ के भाग जाती है, ये क्या है? जो देह भाव में जिएगा वो पशु समान जिएगा, वो ये सब फरेब चालाकियां करता ही रहेगा। उनसे हासिल क्या होगा उसको? छिपकली की पूंछ और छिपकली की मौत। छिपकली बड़ी प्रवीण भी होती है, बड़ी होशियार भी होती है, तो भी रह तो छिपकली ही गई। पुचकटी छिपकली देखी है कभी? कितनी सम्माननीय है। मरेगी अभी छिपकली की मौत, और अपनी तरफ से उसने बड़े जुगाड़ लगा दिए। उसको बेहोशी मत कहिए, दो तरह के होश हैं। ये लोग जो अपनी छवि चमकाने को आतुर हैं, इनको भी जबरदस्त होश है। अब लट ऐसे आनी है और ऐसे आने की जगह ऐसे आ गई, तो ये इतने सजग हैं कि इन्हें तत्काल पता चल जाएगा। तो ये तो मत कहिए कि इन्हें होश नहीं है, होश तो पूरा पूरा है। छवि वालों के होश के क्या कहने हैं? किस सूट के साथ किस रंग का दुपट्टा चलेगा? नहीं, दुपट्टा अब चलता नहीं, क्या चलता है? कुछ भी और, मुंह रंगने का सामान, होठ रंगने का सामान, वो उनको बिल्कुल बारीकी से पता होता है ना। रंग एंगस्ट्रॉम के तीसरे डेसिमल तक उन्होंने मंगा बिल्कुल मिला के पहना होता है। कि जो अभी सैंडल डाली है वो 4326 एंगस्ट्रॉम की है अगर, तो आंखों पे जो लगा रहे हैं वो 5103.66 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। इतनी गणना कोई बेहोशी में कर लेगा क्या? कर लेगा तो होश तो है। ये मत कहिए कि बेहोशी में हो रहे हो काम, बस वो जानवर वाला होश है, जानवर वाला होश है। कभी देखिए अगर छिपकली को किसी कीड़े पर घात लगाते हुए कैसे ध्यान में रहती है, देखा है? 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल किसी साधक समान स्थिर आसन में रहती है। होश तो पूरा है उसको या होश नहीं है, वो जानवर वाला होश है। तो ये जो देह और छवि वाले लोग होते हैं, होश इन्हें पूरा होता है, पर इनका होश होता है छिपकली वाला होश, इनका पशु होश है, वो दूसरा होश है। किसी कई बार नहीं भी करना चाहते पर करना पड़ता है। मैं नहीं करना चाहता, अपनी बहुत एक्सप्लॉइट हो चुका हूं, नहीं अब ये काम करना चाहता, पर फिर भी जा। अभी लालच बाकी है, अभी उम्मीद बची है कि उस व्यक्ति से कुछ मिल जाएगा।
एक ही बात टूट रही है, बात करते रहिए, बात टूटेगी तो फिर उम्मीद नहीं टूटेगी। इसीलिए बहुत लोग बात शुरू ही नहीं करते, क्योंकि बात शुरू हो गई तो जमाने से उम्मीदें टूटेंगी। मैंने कई बार अपने अंदर देखा कि ये बची हुई उम्मीद कैटास्ट्रोफिक कुछ मिल सकता है, अभी भी कुछ पड़ा है। जो कितनी ही दफा होता है शिविर खत्म हो जाता है, लोग वापस चले जाते हैं, वापस जाके संदेश भेजते हैं, बोलते हैं जो असली सवाल था वो 4 दिन तक आपसे पूछा ही नहीं, क्योंकि पता था कि अगर वो मुद्दा आपके सामने खोल दिया तो उम्मीद टूटेगी, दिल टूटेगा। तो हिम्मत नहीं पड़ी आपके सामने वो बात उठाने की, पर उसी बात के लिए आए थे शिविर में और वही बात कर नहीं पाए। जो झूठ में जी रहा होता है उसकी एक पक्की निशानी यह होती है कि वो सच से कतराना शुरू कर देता है। उसकी हालत बड़ी बेबसी की होती है, उसको पता है कि वो झूठ में जी रहा है और जिए जा रहा है। इज्जत वाली बात बहुत समय से मैं करना चाहता था, पर तब नहीं इतनी स्पष्टता आ रही थी। और मैंने देखा ये बहुत ज्यादा मेरे को मतलब लाइफ का एक बचाने में ऐसी कंडीशन बड़ा नुकसान, आजकल कर पा रहा हूँ चीजें समझ आ रही है।